पृथ्वी के कुछ ऐसे विशाल और खतरनाक जीव अगर आज होते तो इंसान के लिए खतरा होता। स्पिनोसॉरस। स्पिनोसॉरस एक बड़ा शिकारी डायनासोर था जो क्रेटेशियस काल के दौरान रहता था। ऐसा माना जाता है कि यह सबसे बड़े मांस खाने वाले डायनासोरों में से एक रहा है। अनुमान के मुताबिक यह 59 फीट लंबाई तक बढ़ सकता था। इसकी पीठ पर एक विशिष्ट पाल भी थी जिसका उपयोग थर्मोरेगुलेशन और दुश्मनों से बचाव के लिए करता था। डंकलियोस्टेस। डंकलियोस्टेस एक प्रागैतिहासिक मछली थी जो लगभग 360 मिलियन वर्ष पहले डेवोनियन काल के दौरान रहती थी। इसके पास एक भारी भरकम हथियार वाला सिर और जबड़े थे जो 8000 पाउंड तक का दंश बल पैदा कर सकते थे, जिसका इस्तेमाल यह संभवतः अपने शिकार के गोले को कुचलने के लिए करता था। एंड्रियोसार्चस। एंड्रियोसार्चस एक बड़ा मांसाहारी स्तनपाई था जो लगभग 45 मिलियन वर्ष पहले इओसीन युग के दौरान रहता था। ऐसा माना जाता है कि यह अपने समय के सबसे बड़े स्थलीय स्तनधारियों में से एक था। अनुमान के अनुसार इसका वजन 2000 पाउंड तक हो सकता था। एंकिलोसॉरस। एंकिलोसॉरस एक भारी बख्तरबंद डायनासोर था जो लेट क्रेटेशियस अवधि के दौरान रहता था। इसकी पीठ को ढकने वाली एक मोटी बोनी प्लेट थी और एक क्लब जैसी पूंछ थी जिसका इस्तेमाल शायद यह शिकारियों के खिलाफ खुद को बचाने के लिए करती थी। गूली मैमथ। गूली मैमथ एक बड़ा जबरा स्तनपाई था जो लगभग 4500 साल पहले प्लेस्टोसिन युग के दौरान रहता था। ऐसा माना जाता है कि यह अपने समय के सबसे बड़े स्तनधारियों में से एक था। टाइटेनोबोआ। टाइटेनोबोआ एक विशाल सांप था जो लगभग 60 मिलियन वर्ष पहले पेलियोसीन युग के दौरान रहता था। अनुमान है कि यह 42 फीट लंबा और 2500 पाउंड से अधिक वजन का था, जिससे यह अब तक का सबसे बड़ा सांप बन गया है। जो अगर इस समय होता तो इंसानों का क्या होता? गिगेंटोफिस। गिगेंटोफिस एक और विशालकाय सांप था जो लगभग 30 मिलियन वर्ष पहले पेलोजेन काल के दौरान रहता था। अनुमान लगाया गया है कि यह 36 फीट लंबा था और इसका वजन 1 टन से अधिक हो सकता है। मेडसोइडे। मेडसोइडे विलुप्त सांपों का एक परिवार है जो लगभग 100 मिलियन वर्ष पहले क्रेटेशियस अवधि के दौरान ऑस्ट्रेलिया में रहता था। ऐसा माना जाता है कि वे बड़े शिकारी सांप थे जिनकी लंबाई 23 फीट तक हो सकती थी। कैसी लगी आपको ये जानकारी? अगर पसंद आए तो शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।